अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं आरके अनबॉक्सिंग चैनल। आज इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग में आपके लिए लाया हूं है वीवो का V19, जिसकी प्राइस है 60,000 रुपये और ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की। आपके सामने है बॉक्स पे कुछ मेंशन है, वीवो 19, वीवो का लोगो है, फ्रंट पे डुअल कैमरा है बताया गया है। और बॉक्स को कर लेते हैं ओपन, और बॉक्स ओपन करने से पहले बैक पे भी कुछ मेंशन है, वीवो 19 का लोगो दिया गया है और फ्रंट डुअल कैमरा, चार्जिंग के बारे में बताया गया है, 33 पॉइंट फास्ट चार्जिंग है और सेल्फी मोड है। इस कलर जो है सिल्क सिल्वर कलर है। बॉक्स को कर लेते हैं ओपन, और बॉक्स हो चुका है ओपन। सबसे ऊपर है मोबाइल डिवाइस, इसको नीचे रख लेते हैं। और ये लग रहा है जी एक फास्ट चार्जिंग केबल टाइप सी की, और हैंड फ्री है, एक अडॉप्टर है फास्ट चार्जिंग 33 पॉइंट का फास्ट चार्जिंग अडॉप्टर, साथ में है एक सिलिकॉन केस और कुछ पेपर वर्क है मैनुअल गार्ड। और रैपर से मोबाइल को निकाल लेते हैं और मोबाइल को कर लेते हैं ऑन, और वाइब्रेट हुआ, वीवो का लोगो आया। और फर्स्ट लुक चेक करवा देता हूँ, और बैक है सिल्क सिल्वर कलर डुअल शेड के साथ आ रही है जी, दो शेडेड हैं। और इसमें जो प्रोटेक्शन दी गई है गोरिल्ला ग्लास 6 की है, और वीवो का लोगो नीचे है। और फ्रंट का मेन कैमरा जो है और 48 मेगापिक्सल है, और डेप्थ सेंसर है, माइक्रो कैमरा है और वाइड एंगल, इसमें 4 कैमरे दिए गए हैं, एक वाइड एंगल कैमरा है। और बैक की प्रोटेक्शन जो दी गई है वो है गोरिल्ला ग्लास 6 की। और साइड पे आ जाती है वॉल्यूम की, अप डाउन की, पावर की और वॉल्यूम अप डाउन की। ऊपर एक्स्ट्रा माइक आ जाता है, सेकेंडरी माइक, और साइड पे आ जाती है सिम ट्रे वाली जगह। चेक करवा देता हूँ कि आप कितनी सिम्स और क्या साथ में मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं जी। हाँ, एट अ टाइम 2 सिम में और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं आप सिम में। और नीचे की तरफ है एक रिंगर ग्रिल और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट, माइक और 3.5 mm हैंड फ्री जैक लगाया गया। आपको चेक करवा देते हैं, फ्रंट पे डुअल कैमरा दिया गया है और स्पेस काफ़ी है डुअल कैमरे की, और सेंटर में भी काफ़ी स्पेस है। और मेन सेंसर जो है कैमरे का वो है 32 मेगापिक्सल का, और साथ में है वाइड एंगल एक कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले साइज़ है, स्क्रीन साइज़ है वो 6.44x44 इंचज का है, 6.4 इंचज का डिस्प्ले है, और एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, इसका कलर काफ़ी शार्प है अच्छे हैं। और सेटिंग चेक करवा देता हूँ, इसमें सेटिंग में क्या चीज़ है, और सेटिंग ओपन हुई है और जी 8 GB रैम है और 128 GB रोम है, और इसमें जो प्रोसेसर चिपसेट लगाया गया है 712 का चिपसेट लगा हुआ है। एंड्रॉयड जो है वो 10 है, जो सब अभी जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहा है उनमें चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन। और आपको चेक करवा देता हूँ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर वो किस तरह काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है, तीसरी दफ़ा चेक कर रहा हूँ, काफ़ी फास्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर। और अब मैं चेक करवा देता हूँ आपको इसका फेस अनलॉक, वो भी काफ़ी फास्ट है, फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है। और मेन कैमरे की मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं वो आपको चेक करवा देते हैं, वो चेक कीजिए। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत ही अच्छे कलर आ रहे हैं, काफ़ी शार्प पिक्चर आ रही हैं इसकी।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा पबजी के रिलेटेड कि इस मोबाइल में पबजी किस तरह चलती है, क्योंकि इसमें एक फीचर दिया गया है अल्ट्रा मोड, उसके साथ पबजी किस तरह होती चलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।